कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में कोविड का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा नहीं कराने का निर्णय लिया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रूलक और अन्य संगठनों ने पहले मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए कांवड़ यात्रा ना कराई जाए, जहां अब प्रदेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसकी एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरियंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। हम सभी से अपील करते हैं कि चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है। पूर्व क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। उनका 66 की उम्र में मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कपिल देव के नेतृत्व में मिली जीत में एक खिलाड़ी और 2011 में धोनी की अगुवाई में मिली विजय में एक चयनकर्ता के रूप में थे यशपाल शर्मा शामिल। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की निगम प्रबंधन से वार्ता विफल होने के बाद 14 जुलाई की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस हड़ताल से परिषद से जुड़े करीब 4000 कर्मचारी शामिल होंगे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की भी परिवहन निगम प्रबंधन से वार्ता हुई, जहां महामंत्री दिनेश पंत ने 5 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक के निर्णयों पर कड़ा ऐतराज जताया। घाटे के नाम पर वेतन आधा करने पर भी रोष जताया। वहीं वार्ता के दौरान निगम कर्मियों का वेतन आधा करने, कैबिनेट बैठक में निगम के लिए 155 करोड़ का अनुदान स्वीकृत करने आदि कई उसमें भी सहमति नहीं बन पाई, जिससे वह नाराज होकर आज रात्रि से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन की कम उपलब्धता के कारण आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब केंद्र से मंगलवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1,18,000 डोज दून पहुंच गई है। बताते चले कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताले लग गए थे। वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण आम जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी। दूसरी डोज लगाने वालों को वैक्सीनेशन सेंटर से बेरंग ही लौटना पड़ रहा था। वहीं अब दोबारा से वैक्सीनेशन पहुंचने से फिर से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जबकि 144 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शाम 6 बजे तक कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि अल्मोड़ा में 8, चंपावत में 2, देहरादून में 11, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 5, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना के 819 एक्टिव केस रह गए हैं। उत्तराखंड आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया के एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान राज्य की जनता को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल मच गया है, जिसे लेकर उमा सिसोदिया ने वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी। उनका कहना है कि यदि उनके बयान से किसी का भी दिल दुखा है तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है।
साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जब से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है तब से भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्टियों बौखला गई हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने जिस तरह से उनके बयान के बारे में बातें कही इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। मेरा एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें लोग काफी कुछ लिख रहे हैं, तो मैं उस बयान के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं उत्तराखंड की जनता का जो अपमान की बात है वो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि उत्तराखंड में जब से आम आदमी पार्टी की आहट हुई है तब से कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से बौखला गए हैं वो वाकई में शर्मनाक है। हरीश रावत जी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिस तरीके से मेरे बयान के बारे में बात करते हैं वो वाकई में बहुत ही, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हरीश रावत जी, जिनके भ्रष्टाचार का स्टिंग पूरे प्रदेश ने देखा है, वो अगर मेरे बयान पर कुछ कहते हैं तो ये अपने आप में उनके लिए सोचने की बात है। और बीजेपी, मेरे बयान के बारे में अगर बीजेपी बात करती है तो मैं सिंपल ये कहना चाहूंगी कि पहले आप महेश नेगी, सुरेश राठौर, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और अपने संगठन मंत्री संजय कुमार, विनय गोयल जी, इनके बयानों की बात करें, उसके बाद आप मेरे बयान पर बात कीजिएगा।